नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब न्यूज़ में। देखिए न्यूज़ एक आई है, वो पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, प्रदेश में पुलिस से महकमे में IPS से कांस्टेबल तक 13,453 पद खाली है। दोस्तों देखिए, पद खाली है तो पद भरने तो निश्चित ही है, कभी कभी तो पद भरे ही जाएंगे, तो ये तो आपको तय है कि भर्ती तो आएगी आएगी। बस अभी कुछ ही दिनों में कोर्ट में सुनवाई हुई है दोस्तों। क्या देखिए, कोर्ट ने न्यायाधीश संगीत लोढ़ा विनीत कुमार माथुर के खंड की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पुलिस विभाग पर खाली पदों के मामले में सब पढ़ने का सब संज्ञान लेते हुए दर्ज की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मोदी सरकार की ओर से दी गई जानकारी बताई है कि पूरे प्रदेश में IPS से लगातार कांस्टेबल पद तक 13,453 पद खाली है। सरकार ने एफिडेविट के साथ पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को मुकर कर दी है और नफरी में संबंध में सौपर्णा में संपर्क लेते हुए याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। इसकी पालना राजस्थान हाईकोर्ट की सौपर्णा संपर्क लेते हुए जिन याचिका दर्ज की है। कोर्ट के पुलिस महानिदेशक ने नोटिस जारी कर दिए। पूरे प्रदेश में जिलेवार पुलिस कर्मियों को देखिए, जिलेवार कितने पद रखते हैं और इन पदों को कब भरा जाएगा ये भी निश्चित है। इसके संबंध में शपथ पत्र पर उन्हें पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कि दोस्तों इस प्रकार है, इस मामले सरकार की ओर SP कर्ण सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की है। कोर्ट ने बताया है कि पूरे प्रदेश में IPS अफसर 215 पद, वर्तमान में 180 पद भरे गए हैं। इसी तरह RPS अफसर 939 पदों की तुलना में 979 CI पदों पर दोस्तों देखिए 1459 और तुलना में 1,337। चलिए अगला, ये अलग अलग डिटेल है दोस्तों। देखिए अगली क्या है, अगली आपके हैं SI के 4,675 पदों की तुलना में 2,451 पदों पर पुलिस कमी कार्यरत है। इसी तरह ASI 6,319 पद स्वीकृत है जबकि 3,747 पद भरे गए हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग पद कितने खाली हैं, वो हेड कांस्टेबल 20,315 स्वीकृत है, 16,981 पद भरे गए हैं। सबसे अधिक कांस्टेबल पद खाली है, तो देखिए तो सबसे अधिक कांस्टेबल पद खाली है तो आपको मैं बता दूं कांस्टेबल की भर्ती आने की निश्चित है। 4,600 पद खाली कांस्टेबल पूरे प्रदेश में 75,855 पद स्वीकृत है दोस्तों। इसमें कांस्टेबल 70,999 पद कार्यरत है दोस्तों, आप बड़े ध्यान से देखिए ये। तो देखिए सरकार ने एफिडेविट 25 अप्रैल को दिए गए निर्देशों को पालना पेश करते हुए मोहलत मांगी है। इस कोर्ट सरकार ने अगली 8 जुलाई को मुकर की है। कोर्ट ने नफरी संबंध भरने के लिए रुक बताया। तो दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि मैं वीडियो जॉब से जुड़ी वीडियो अपलोड करूँ तो आप पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।